नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कुछ यमी और डिलीशियस सब्जी। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, आज हम कटहल की सब्जी बना रहे हैं। कम ऑयल में मैंने ऑयल डाल दिया है और यहाँ टमाटर और प्याज का पेस्ट पिसा हुआ रखा है। इन मसालों का कुछ सीक्रेट है, थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इस पर डाल रही हूँ खूब सारे जीरे का तड़का। खूब सारा जीरे का तड़का डाल के अलग ही खुशबू और अलग सा ही फ्लेवर आता है। अब इसमें ही जीरा भुन चुका है, तो हम डालते हैं प्याज का पेस्ट और इसको ऑयल छोड़ने तक पकाएंगे। प्याज का सीक्रेट ये है कि मैंने इसमें गरम मसाले डाले हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। मैंने नमक डाल दिया है, इसमें मैं 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालूंगी क्योंकि ये 2.5 किलो सब्जी है। और यहाँ पर मिर्ची डाल रही हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला, और 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी मैंने थोड़ी सी और डाली है अलग से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट का भी सीक्रेट है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। टमाटर के पेस्ट में मैंने हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया डाला है और करी पत्ता डाल दिए थे थोड़ा सा। और मैं इसमें डाल रही हूँ सीक्रेट मसाला, अमचूर का पाउडर। इससे हमारी कटहल की सब्जी बहुत ही यमी होती है। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, लेकिन थोड़े से मसाले अच्छे रखने के, उससे थोड़े से मसाले चेंज करने से हमारी सब्जी बहुत ही यमी बन जाती है। यहाँ पर मसाले पक चुके हैं, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सब्जी तले नहीं लगे, नहीं तो कुकर में सब्जी नीचे से जल जाती है। तो इसको अच्छे से चला लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ कटहल। कटहल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा डालेंगे फिर मिक्स करेंगे, ऐसे करते रहेंगे और पूरी सब्जी को ऐसे ही हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ना मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे इससे भी बेहतर वीडियो बनाते रहूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अच्छे से पूरे कटहल डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको कम लगे तो आप हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी सब्जी अच्छी दिखे। इसकी जगह आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो सब्जी यहाँ पर पक चुकी है, मैंने इसमें 2 सीटी निकाली और सब्जी पक के तैयार है गर्मा गर्म। अब इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने सर्व कर दी है। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी सब्जी बनी है कम ऑयल में, जो सेहत के लिए भी अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आपके घर में ये सब्जी सभी को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।